हेलो एवरीवन, आज का मुद्दा आपको पता है, हमें पता है कि जेईई मेन पोस्टपोन हो गया है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनका सब कुछ छिन गया है। और क्या करें, मेन्स अब एडवांस क्या करें क्या नहीं करें, आप हमें बताएं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनटीए वालों ने कुछ भी कर दिया हो, ठीक है, जेईई मेन्स का सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, उसके 10 दिन के अंदर आप एडवांस का, 10 से 12 दिन में आप एडवांस का एग्जाम देख लेंगे और उसके 7 दिन के बाद रिजल्ट देख लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब वो समय नहीं है कि अपन मेंस और एडवांस अलग अलग रखें, बिल्कुल हमें साथ में लेके चलना है, मेंस और एडवांस को साथ में लेके चलना है। तो कैसे चलना है वो आप सोचें। उसके पहले मैं आपसे कह रहा हूं, सब चीजों को छोड़ के सबसे पहले सबको साइड में रखना सीखें। 2.5 महीने, 70 दिन है, 70 में से 10-12 दिन अपन ने 15 दिन हटा दिए, 20-21 जून को है, हम 10 जून को फिर से उठाएंगे और मॉक टेस्ट देंगे। किसके? मेंस के। बात समझ में आ रही है? हम फिर से मॉक टेस्ट देंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं एनटीए की साइट पे, उन सबको साइड में रखें, ठीक है। सबसे पहले अपने दोस्ती यारी साफ करें, अपने वीडियो देखने की आदतों को साफ करें, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना है, क्योंकि अगर जीते तो आपका नाम, हारे तो आप बदनाम। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले खुद से वादा करें कि मैं आईआईटी में जाके रहूंगा। जो सपना आप देख रहे हो, हर पूरे देश में कोई ना कोई बच्चा आपसे ज्यादा मेहनत करके वो सपना पूरा कर सकता है, वो सीट आपकी ले सकता है। तो सबसे पहले खुद से वादा करें, क्योंकि जो भी तुम्हारा रिजल्ट रहा, मैं कहता हूं बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आईआईटी में आपका जो सिलेक्शन होगा वो केवल एक रीप्ले होगा, दुनिया उसके पीछे की ताकत, उसके पीछे की मेहनत को समझ भी नहीं पाएगी कभी, बस लोग तालियां बजा रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही हो? तो ठीक है, तो उसके पीछे के सेक्रीफाइस जो है वो आपको करने पड़ेंगे। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब आप टोटली फ्री हैं, अब आप टोटली फ्री बैठे हुए हैं, आपके पास केवल और केवल पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है। अपनी कंसिस्टेंसी दिखाइए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी नींद पे ध्यान दीजिए, फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बचिए, दोस्ती यारी, रिश्तेदारी, शादी ब्याह जो भी है सब साइड में रखिए, केवल आप और आपके पेरेंट्स जो आपका ध्यान रख रहे हैं उन पर भरोसा रखिए, अपने काम पर भरोसा रखिए, अपनी किताबें, आपकी दोस्त हैं वही आपको जीवन में सबसे ऊंचाइयों पहुंचाने वाली है, उन पर भरोसा रख के काम कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या है, अप्रैल पूरा दीजिए, जो भी 10-12-15 चैप्टर आप और अच्छे कर सकते हैं थ्योरी में, जो आपको लगता हो कि थोड़ा टाइम और मिलता तो मैं कर लेता, उन्हें कर लीजिए। ये पूरा अप्रैल दे दीजिए, ये पूरा अप्रैल थ्योरी और बेसिक प्रॉब्लम लगा के उस सब्जेक्ट को ऊपर लाने में लगा दीजिए। बाकी के जितने भी 50 दिन बचे केवल क्वेश्चन करेंगे, जितने चैप्टर अच्छे हो गए हैं उनके बेसिक से लेके टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, सिटिंग बढ़ाइए, सुबह वो काम कीजिए, भीड़ जो काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती वो काम आपको करना है, अंधेरे में उठना है और अंधेरे में सो जाना है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, दिन रात करिए, आप 4 बजे उठ के देखिए, दिन इतना बड़ा है, आपके पास इतना समय है काम करने के लिए, दिन कटेगा नहीं। मैं सुबह 4:45-5 पे उठता हूं, मेरे लिए दिन इतना बड़ा होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, मैं वीडियो भी बना लूंगा, मैं एडिटिंग भी कर लूंगा, मैं सॉल्व भी कर लूंगा, परिवार भी देख लूंगा और भी सब चीजें देख लूंगा। आप भी मुझसे ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, मैं इस एज में इतना एक्टिव नहीं हूं जितना आप रह सकते हैं। अपने काम पर ध्यान दीजिए, बहुत समय है, बहुत समय मिलेगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप सोने जाओ ना और बिस्तर पर आप गिरे और आपकी 2 सेकंड के बाद नींद लग गई, इतना थक के जाइए। शुरू में तकलीफ देगा, मैं कहूंगा 8 घंटे सिटिंग करो, 6-6 घंटे की स्लॉट बनाओ कि डेली जब भी बैठे 4 घंटे से पहले उठे ही नहीं, 4 घंटे का एक स्लॉट, आधा पौन घंटे का, फिर 4 घंटे का एक स्लॉट। आपकी रीढ़ की हड्डी दुखेगी, आपकी बैकबोन दुखेगी, आपके बम दुखेंगे, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आंखों का नंबर बदल सकता है, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे एम से कोई नहीं भटका सकता, क्योंकि सीटें कम हैं, आपके सपने बड़े हैं, जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें नॉर्मल लोगों से हटके ही काम करना पड़ता है। आपको कोई कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, मेरी बात को याद रखना, आपको पता है कि आप कहां पे खड़े हैं और आपको पता है कि आपको कहां तक जाना है, इनके बीच के गैप को आपको ही सफर करना है, ठीक है। या तो आप इन 2 महीने का सफर कर लें, इंग्लिश वाला सफर,
हिंदी वाला सफर नहीं कह रहा हूं, ठीक है, या तो इन इन परेशानियों से गुजर लें, इन सेक्रीफाइस से 2-2.5 महीने के लिए गुजर लें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, वरना सारी जिंदगी सेक्रीफाइस में गुजरने वाली है। मेरी बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, अच्छे से मेहनत करें, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, मेहनत सबके हाथ में है, किसी के पास संसाधन कम है, किसी के पास एसी नहीं है, कूलर है, पंखा है, या बस हम तो तूफानों से लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, गीली टॉवल लेके बैठ जाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे जो रोज गीली टॉवल लेके बैठ जाते हैं, वो पढ़ते हैं और आईडी निकालते हैं, क्योंकि आईडी निकालने के लिए केवल किताबें और खुद की जरूरत है। आप बिल्कुल घुस जाइए, आपको जीत हार का फर्क खत्म हो जाएगा, आपको पता होगा कि अपना सिलेक्शन हो ही रहा है, वो वक्त आता है, वो वक्त हर एक की जिंदगी में एग्जाम से पहले ही आ जाता है, आप वो काम करके देखिए, मतलब लोग, आपका परिवार भगवान से ज्यादा आपके बारे में सोचने लगेगा, ठीक है, मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, दिन भर में एक टाइम के लिए खुद को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है अकेले वॉक कीजिए, ठीक है, म्यूजिक सुन लीजिए, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप नहीं थके, अगर आप बिना थके हुए बेड पे जा रहे हैं, आप 100% मोबाइल उठाएंगे, सीरीज लगाएंगे, कुछ ना कुछ चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको थकान नहीं लग रही है, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, किसी से कहिए कि भाई मेरे साथ चल, रात को अपन जॉगिंग करेंगे, या मैं थोड़ा दौड़ना, मैं थकना चाहता हूं, जिससे मैं जाऊं और सो जाऊं, क्योंकि मुझे सुबह फिर से तैयारी करनी है, मुझे सुबह फिर से उठना है, मेरे पास ये सीमित समय है, इसका 100% उपयोग करना है। मेरी बात सबको समझ में आई होगी, मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, आईटी कर्मा की तरफ से मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, ठीक है, आपके जो सीरीज जेई मेंस की आ रही थी उसके साथ एडवांस के प्रॉब्लम भी आएंगे, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।